दोस्तों मैं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों को एक रिंग का जानकारी थोड़ा सा देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्टेज पे लगाया जाता है, कौन कौन सा साइज होना चाहिए, क्या साइज में आप लोगों को बनाना चाहिए, किस साइज में पाइप होता है, जिस पाइप यदि मोड़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को साइज और पाइप की साइज, पाइप का वेट और कौन कौन सी साइज का रिंग आप लोगों को बनवाना चाहिए, आप लोगों को मैं आज थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रिंग है, ये आपको 10 फीट वाला रिंग है, फुल रिंग है, इसमें दो पार्ट होते हैं। अभी मैं ज्वाइंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख लीजिए, रिंग ऐसा चीज़ है, रिंग का हर चीज़ बन सकता है, स्टेज हुआ, गेट हुआ और मंडप हुआ। देखिए ये यहाँ पे ज्वाइंट है, देख सकते हैं आप लोग, एक दो पार्ट में बनाया जाता है ये 10 फीट वाला रिंग, यहाँ से और यहाँ तक जो साइज होता है वो 10 इंच होता है, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से और नीचे होता है वो भी 10 इंच साइज होता है। चारों तरफ से जो बॉक्स की साइज होती है वो 10 इंच होती है। ये फुल रिंग आप देख सकते हैं जो दो पार्ट में बनाया जाता है, और इसको मैं आप लोगों स्टैंड करके देख लीजिए, एक पार्ट हमने स्टैंड कर दिया, और स्टैंड करने के बाद आप इस प्रकार से स्टैंड करके आप स्टेज, गेट और मंडप में भी लगा सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और दूसरा रिंग आप लोगों को दिखा देते हैं, ये 8 फीट वाला रिंग है, ये भी दो पार्ट में बना हुआ है, और ये जो है इसका भी जो बॉक्स की साइज है वो 10 इंची है, और ये दो पार्ट में ये भी है। और स्टैंड करके आप लोग दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसका व्यू है। देख सकते हैं ये जो यहाँ से और यहाँ से जो चौड़ाई है ये 8 फीट है, और जो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक 8 फीट चौड़ाई है, और बीचों बीच ग्राउंड से और ऊपर तक जो चौड़ाई है वो 4 फीट है, जो हाइट है इसकी, हाइट है 4 फीट, इसकी चौड़ाई 8 फीट है, और फुल रिंग 8x8 का होता है। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के रिंग बनवा सकते हैं, जो आप लोगों को गेट और स्टेज में बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। देख सकते हैं ये रिंग है 12 फीट वाली रिंग है, और ये 4 पार्ट में बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये 4 पार्ट में है, अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा ये 4 पार्ट में है। तो रिंग आप लोग देख सकते हैं, ये भी जो रिंग की बॉक्स की साइज है वो 10 इंची है, देख सकते हैं 10 इंची है, और जो है ये काफ़ी, ये आप लोग देख सकते हैं ज्वाइंट पार्ट 4 पार्ट में बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं आपको स्टैंड करके दिखा देता हूँ इसका एक पार्ट कैसा दिखता है, ये कैसा लगता है, और देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जो है आप लोग दिखा देते हैं स्टैंड करके भी आपको, देखिए इसका एक पार्ट, इसको स्टैंड करके आप लोग दिखा देते हैं कि कैसा लगता है, और आपको स्टेज भी दिखा देते हैं हमारी स्क्रीन पे। और एक स्टेज है जो रिंग का बना हुआ है, फुल रिंग का बना हुआ है, टोटल इसमें 3 रिंग लगे हुए हैं। और आपको ये रिंग दिखा देते हैं जो देख सकते हैं आप लोग, 5 फीट वाला रिंग है, और ये फुल 5x5 का, इसको हाफ करेंगे तो ये होगा चौड़ाई इसकी, आप स्टैंड करके इस प्रकार से गेट पे लगा सकते हैं। आपके हमारे स्क्रीन पे आप लोग एक गेट देख रहे होंगे, उस पे रिंग लगा हुआ है, तो ये छोटा रिंग है, मैंने 6 फीट वाला रिंग लगाया हुआ है, ये इसका जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है चौड़ाई इसका 5 फीट है, और बीचों बीच ग्राउंड से और ऊपर तक जो इसकी हाइट है वो 2.5 फीट है। और दिल आप लोगों को एक दिल दिखा देते हैं, जो दिल 6x6 का है। और ये सब वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए। मैं लास्ट में पाइप भी दिखा दूंगा आपको, आप लोगों को देख सकते हैं बॉक्स की साइज 10 इंची है,
इसकी, और ये 6x6 का है। और आप देख सकते हैं ये स्टैंड करके भी इसको आप लगा सकते हैं हाफ पार्ट गेट के ऊपर दोनों साइड से। और ये हाफ डी है यहाँ से, और यहाँ की जो साइज है वो आप 3 कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से 1.5 कर सकते हैं। ये जो हाफ डी है आप लोगों को हमने साइज बता दिया, और क्वालिटी देख सकते हैं ये पाइप हल्के पाइप के बनाया जाता है ताकि इसको इजीली सेट कर लिया जाए। और देख सकते हैं ये आप लोगों को डमरू वाला रिंग है ये, जैसे इसी रिंग से डमरू बनाया, एक सेटअप ऊपर लगता है, एक सेटअप नीचे लगता है एक पाइप में, तो ये उसके बाद उस पर कपड़ा लग जाता है यहाँ से, और यहाँ की जो साइज है, और यहाँ से यहाँ की जो साइज है 1.5x1.5 का है रिंग, और इसी का डमरू बनता है। ये पत्ती का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चौड़ी वाली पत्ती है, पतला भी है और काफ़ी इजीली ये बैंड हो जाता है। और आप लोगों को चलिए दिखा देते हैं, ये पाइप है, इसी पाइप का ये बनाया जाता है। ये पाइप 12mm का है, जो आप लोग होल देख रहे हैं इसी प्रकार का होल होना चाहिए, और देख सकते हैं ये छोटा पाइप है, और ये इसी प्रकार से ये 20 फीट में मिलेगा। इसकी पूरी लेंथ 20 फीट की आती है, जो -3 kg की होती है, देख सकते हैं ये पाइप। और आप लोगों को दिखा देते, बहुत सारा मटेरियल है, कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद।